दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सोने से महंगी कई सारी धातु है, लेकिन फिर भी लोग सोना ही क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सोना एक ऐसी धातु है जिस पर कभी जंग नहीं लगता। जिस तरह लोहे पर पानी और ऑक्सीजन के मिलने पर जंग लग जाता है, उसी तरह सोने पर जंग कभी नहीं लगता। इसीलिए लोग सोने को बहुमूल्य धातु मानते हैं। यहाँ तक कि सोना एकमात्र ऐसी धातु है जो पीले रंग का है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सोने की ज्वेलरी फैक्ट्री में कैसे बनती है, बड़ी बड़ी मशीन में सोने की इतनी सुंदर ज्वेलरी कैसे बनती है। लेकिन दोस्तों, हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्यारा सा लाइक का बटन दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्ड बिस्किट मेकिंग मशीन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सोने की बिस्किट कैसे बनाई जाती है? सोने को सबसे पहले भट्टी में पिघलाकर उसे छोटे छोटे दानों में बनाया जाता है। फिर सोने के दानों को तोला भी जाता है। इसके बाद जितना वजन वाला सोने का बिस्किट बनाना है, उतना सोना बिस्किट के आकार वाले बॉक्स में डाला जाता है। इस बॉक्स को सामान्य भाषा में फर्मा कहते हैं। इसके बाद इस बॉक्स को मशीन की भट्टी में डाल दिया जाता है। इस मशीन को हाई हीटिंग मशीन कहा जाता है। ये मशीन कुछ ही समय में सोने के दानों को सोने के बिस्किट के रूप में डाल देता है। तो दोस्तों, इसके बाद इन बिस्किट को पानी में डालकर ठंडा कर दिया जाता है और इसके बाद कंपनी इसके ऊपर कई सारे डिजाइन या कंपनी का नाम या फिर हॉलमार्किंग डालती है। सोने की हॉलमार्किंग वेट और कई सारी जरूरी चीजें प्रिंट करवाती है। तो दोस्तों, तैयार है सोने का बिस्किट। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस जानकारी को शेयर अवश्य करें। अगर आप ऐसी वीडियो को देखना चाहते हो तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।